अस्सलामुअलैकुम, आज मैं आपके साथ काबली पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने लिए हैं आधा किलो गाजर और उसको मैंने इस तरह से बारीक बारीक कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे मसाला रेडी करने के लिए मैंने लिया है 1.5 खाने का चम्मच साबुत ज़ीरा, 6 से 7 साबुत इलायची, 3 बड़ी इलायची और 1 तेज़पत्ता। इन सब चीज़ों को ग्राइंड करके मसाला रेडी कर लेंगे। ये देखें मसाला जो है वो रेडी है। अब यहाँ पे ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, तो अब इसमें ऐड करेंगे गाजर। गाजर को आपको फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 खाने के चम्मच चीनी। यहाँ पे गाजरों को जो है बहुत ज़्यादा पकाएंगे नहीं, जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इनको बाहर निकाल लेंगे। ये देखें बस हम गाजरों को जो है बाहर निकाल लेंगे। ये देखें इस तरह से। अब हम इसमें फ्राई करेंगे किशमिश। ये देखें यहाँ पे किशमिश जो है उसको भी फ्राई कर लिया। अब हम इसी ऑयल में ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज के प्याज। यहाँ पे प्याज जो है वो फ्राई हो चुका है, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। यहाँ पे चिकन जैसे ही अपना कलर चेंज करेगा तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। मैं ऐड करूँगी 2 चाय के चम्मच नमक ऐड करेंगे। और अब इसमें ऐड करेंगे 1.5 खाने का चम्मच जो मसाला हमने रेडी किया था वो ऐड कर देंगे। और चिकन की भुनाई करेंगे। अब यहाँ पे चिकन की भुनाई हो चुकी है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 गिलास पानी, क्योंकि मैंने 2 गिलास चावल लिए हैं। यहाँ पे पानी जो है वो बॉईल हो चुका है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल।
अब यहाँ पे पानी जो है वो ड्राई हो चुका है, तो अब हम चावलों को दम पे लगा देंगे। तो गाजर रखी उसको लगा देंगे साथ दम पे। और ये जो बाकी का मसाला था ये पड़ा खराब। अब चावलों को कवर कर देंगे लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए, दम लगा देंगे। यहाँ पे 10 मिनट के बाद दम खोलेंगे तो पुलाव जो है बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे थोड़े से बादाम। अब यहाँ पे काबली पुलाव जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो अब आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी जो है आपको कैसी लगी।